हेलो यूट्यूब। तो आज हम एक पोटेंशियोमीटर को खोल के देखेंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या। वैसे तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन कभी इसको रियलिटी में इसके अंदर नहीं देखा होगा। तो हो सकता है अगर आपने नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा, और अगर आपने देखा है तो फिर आपके लिए वीडियो किसी काम का नहीं है। तो मेरे पास ये कुछ पोटेंशियोमीटर है, सारा ठीक है, और इसको आप वेरिएबल रेसिस्टर भी बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं क्या, बोलते ही हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 100K। तो ये 100K का वेरिएबल रेसिस्टर है या पोटेंशियोमीटर, ये सारा 100K का है, और इसमें भी 100K होगा, 100K और 100K, और इसमें कोई लिखा ही नहीं हुआ है। तो इसमें से किसी एक को मैं खोल के देखूँगा और फिर देखते हैं आखिर इसके अंदर है क्या। तो चलिए खोलते हैं इसको, बाकी को साइड कर देते हैं और एक को खोलते हैं। तो मैंने इसके चारों तरफ का जो ये पिन था, मैंने उसको सीधा कर दिया है, खोल दिया है, और उसके बाद हम इसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये रहा इसका कवर, और ये रहा पोटेंशियोमीटर। ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, यही है वो रेसिस्टिव मटेरियल, और ये जो आप देख रहे हैं ये शायद कॉपर का है। तो ये इसके चारों तरफ जो है सो मतलब मूव करता है, उसी के हिसाब से जो है सो इसका रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ता और घटता है। तो ये जो लीड है, इससे ये जितना दूर होगा उतना इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना नज़दीक होगा इसका रेसिस्टेंस उतना घटेगा। और ये जो है ये जो कॉपर का है लीड जो इसके चारों तरफ मूव करता है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड है ये मिडिल वाले से। तो ये जितना ज़्यादा इससे दूर होगा उतना ज़्यादा इसका और इसके बीच का रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा ये नज़दीक होगा इसके और इसके बीच का रेसिस्टेंस उतना ही घटेगा। और सेम इसके लिए भी है, इससे ये जितना ज़्यादा दूर होगा उतना इससे रेसिस्टेंस बीच वाले से बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा इसके नज़दीक होगा उतना ही बीच वाले से इसका रेसिस्टेंस कम होगा। और अगर ये मिडिल में है तो इसका इससे और इसका इससे दोनों का दोनों से जो है सो इसका रेसिस्टेंस बराबर होगा। तो इसी तरीके से बेसिकली ये काम करता है, और इसमें कुछ खास है नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप देख सकें आगे भी। धन्यवाद।